सुनील शेट्टी ने जब बॉलीवुड में एंट्री किया उसके बाद लोगों ने उनके लिए तरह तरह की बातें करनी स्टार्ट कर दी थी। यहाँ तक कि किसी ने सुनील की फिल्म को देखने के बाद तो उनको अपने घर लौटने और इडली बेचने के लिए कह दिया था। दरअसल ये किस्सा उन दिनों का है जब साल 1992 में सुनील शेट्टी ने बलवान से बॉलीवुड में एंट्री किया था। एक क्रिटिक्स ने फिल्म को देखने के बाद सुनील शेट्टी के लिए लिखे रिव्यू में कहा था कि उन्हें वापस घर चले जाना चाहिए। इसके बाद सुनील बुरी तरह से टूट गए थे, लेकिन उन्होंने इन सब के बावजूद खुद को कैसे संभाला और बॉलीवुड में सुपरहिट हीरो बन गए, लेकिन ये सफर उनके लिए बहुत मुश्किलों भरा था। जी हाँ, सुनील शेट्टी ने ये किस्सा खुद एक इंटरव्यू में सुनाया था कि उनकी डेब्यू फिल्म काफी हिट रही थी और उन्हें एक एक्शन हीरो के तौर पर एक्सेप्ट किया जा रहा था, लेकिन उस वक्त एक क्रिटिक्स ने उनके लिए कहा था कि घर जाइए और इडली बेचने का काम करिए। सुनील ने साफ किया कि उस क्रिटिक के शब्दों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था, लेकिन उन्होंने अपना मनोबल नहीं टूटने दिया। जी हाँ, क्रिटिक की आलोचना से सुनील अपने एम से बिल्कुल नहीं डगमगाए। सुनील ने सोचा कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि हर बच्चा मानता था कि वो अगला मिस्टर बच्चन है। उसके बाद से सुनील ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सारी नेगेटिविटी बातों को इग्नोर करते हुए 90 के दशक के वो सुपरस्टार में से एक थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुनील शेट्टी ने अपने करियर की शुरुआत 31 की एज में की थी। बलवान से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले सुनील शेट्टी ने ज्यादातर एक्शन फिल्मों में ही काम किया है। सुनील बॉलीवुड इंडस्ट्री में अन्ना के नाम से फेमस भी हैं। हालांकि सुनील शेट्टी ने कुछ कॉमेडी जॉनर की फिल्में भी की हैं, जो सुपरहिट साबित रही हैं। इनमें हेरा फेरी भी शामिल है और आवारा पागल दीवाना भी। और एक बार फिर से सुनील इन फिल्मों में नजर आने वाले हैं और अपना वही पुराना चार्म दिखाते हुए नजर आएंगे। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।